Hi, welcome to RK Photo Magic Tricks. We have already pushed PowerPoint to a very huge level, as you've seen in our previous tutorials. And today, Pooja is sitting with us, and like I said, she wants 3D product gallery to be created only in PowerPoint. Now, ab ek baat bataiye, agar mere ko ek 3D banana hai, ek wall aur ek floor banana hai, to kya hona chahiye? Wall honi chahiye pehle. Wall ke liye kaun si shape honi chahiye? जो भी शेप आपको पसंद हो. शेप्स को हम ऐसा करते हैं, रेक्टेंगुलर शेप लेते हैं. रेक्टेंगुलर शेप को लेके हम खींचते हैं आराम से. आप देख रहे हैं जैसे पीछे ये खींच लिया. अच्छा, कौन सा कलर दे दें इसको? कौन से कलर की? मेरा फेवरेट तो रेड कलर है. रेड कलर हम ऐसा करते हैं, रेड कलर तो बड़ा गाढ़ा हो जाएगा. इसको दे देते हैं हम ऑफ व्हाइट कलर. ठीक है, हमने ऑफ व्हाइट कलर दे दिया वॉल को. अब ऐसा करते हैं, ये तो वॉल हो गई. अब फ्लोर क्या होता है? जो वॉल होती है तो फ्लोर कैसा होता है? ये वॉल है. आप मेरे को हाथ से बताइए फ्लोर कहाँ होना चाहिए? नीचे. ये ऐसे होना चाहिए, राइट? बिल्कुल. जब ऐसे होगा तभी 3D इफेक्ट आएगा, राइट? नाउ हम ऐसा करते हैं, पहले एक काम करते हैं. अब आप बताइए फ्लोर कौन से कलर का चाहिए? फ्लोर हम वुडन दिखा सकते हैं. चलो ये बात रख लेते हैं कि हम इनको वुडन फ्लोर दे देते हैं. हम ऐसा करते हैं, वापस एक रेक्टेंगल बनाते हैं विच इज कम्प्लीटली इन अलाइनमेंट विद द साइज ऑफ द वॉल. हम बनाते हैं और उसको क्या करते हैं, ये देखिए ये भी वॉल भी खड़ी है, ये भी खड़ा है. इसको क्या करना चाहिए हमें? फ्लोर को गिरा दे. नीचे गिरा देना चाहिए. गिरा दे कैसे है? आई इजीली टॉट यू, बट नाउ लेट्स गो टू 3D फॉर्मेट. 3D फॉर्मेट में जाके परस्पेक्टिव में जाके इसको गिरा देते हैं. वी आर जस्ट पुटिंग इट डाउन 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 डाउन. ये फ्लोर बन गया. नाउ टू गिव इट द कलर, देन इट्स द टेक्सचर. सो व्हाट वी डू, राइट क्लिक, फिल, गो टू पिक्चर. आइदर यू हैव, इफ यू हैव अ पिक्चर ऑफ अ वुडन प्लैंक, यूज दैट. और यू हैव अ टेक्सचर, टेक्सचर इज ऑलरेडी बिल्ट इन. तो ये हो गया ये हर कलर का. और अगर मार्बल फ्लोर चाहिए तो मार्बल भी बना सकते हैं, लेकिन हम वुडन में जाते हैं. ठीक है, ठीक. हमने वुडन फ्लोर बना दिया, गिरा दिया. अब हमारे पास क्या हो गया? ऐसे हो गया, ठीक है. अब हाउ टू गिव इट अ रियलिस्टिक लुक. जब भी एक दीवार और एक फ्लोर होता है तो शेडो जरूर होती है. कहाँ होती है वो शेडो? दीवार और फ्लोर जहाँ मिलता है. तो मैं दीवार पे एक शेडो दे रहा हूँ. देखिए वो शेडो का आपका जैसे दिख रहा है पीछे से, वो शेडो दे रहा हूँ. वो शेडो कितनी रियलिस्टिकली आगे गिर रही है जिससे एकदम आपको लग रहा है. अब आपके पास फ्लोर हो गया, दीवार हो गई, फ्रेम्स बनाते हैं और फ्रेम्स को जरा सा बाहर निकाल के उसके पीछे शेडो देते हैं. सेम प्रिंसिपल विल अप्लाई एज इफ जैसे वो हमने दीवार पे किया था. नाउ आपकी ये तीन फ्रेम मैंने टांग दी, ठीक है. तीन फ्रेम टांगने के बाद व्हाट विल डू इज, इस फ्रेम के ऊपर हम इंसर्ट पिक्चर करके उसको साइज रिसाइज भी कर सकते हैं. और हम अगर आपने शेप्स डाले हैं तो शेप्स को राइट क्लिक करके आप फिल करेंगे तो आपका पिक्चर बन जाएगा. और पिक्चर को आप और बहुत सारे, देखिए मैं फॉर्मेट्स यूज कर रहा हूँ जिससे ये बहुत अच्छा लगने लगेगा. जरा सा बेवल वाला लुक आएगा जो भी आएगा इसके अंदर. मैंने फ्रेम्स भी यूज किए, रेडीमेड फ्रेम्स आर ऑलरेडी देयर इन पावरपॉइंट. तो ये एक पिक्चर लगाई, दो पिक्चर लगाई, तीन पिक्चर लगाई. अब हमने क्या क्या यूज किया था? दीवार, फ्लोर, वन पिक्चर, टू पिक्चर, थ्री पिक्चर. नाउ दिस हैज बिकम अ प्रोडक्ट डिस्प्ले. नाउ इसको और इंटरेस्टिंग, यहाँ क्यों रुकते हैं, इजी चीज में क्या मजा आता है? लेट्स डू मेक इट अ बिट मोर डिफिकल्ट. अब क्या करते हैं हम, ऐसा करते हैं वो कुछ फिगर्स भी ले आते हैं या कुछ हुआ. अगर मैं, लेट्स से मैं आपके भाव डांस ऑफ स्कूल का बना रहा हूँ तो मैं आपकी भी कोई पुरानी पिक्चर को एक्सट्रैक्ट करके आपको खड़ा कर देता हूँ. या लेट्स से मेरे को कोई प्रोडक्ट जैसे कोई गारमेंट की है, जैसे पीछे गारमेंट है, गारमेंट का मैंने लोगो ले लिया, उसका कारपेट बिछाते थे उस पर. आप देख रहे हैं जैसे मैंने कारपेट भी बिछा दिया. उनके सेल्स फिगर चाहिए या कुछ चाहिए तो कुछ और मैंने एक्सट्रैक्ट करके लगा दिया. तो जो चीजें हमने काट काट के लगाई है वी कैन ऑल्सो एनिमेट देम. तो जैसे आपने देखा मैंने ये 3D प्रोडक्ट गैलरी बना ली है, कितना आसान है, इसको एनिमेट भी कर दिया है. Wow, that's really nice. So guys, what are you waiting for? You just have to mail us at rkphotomagictricks@gmail.com.
So where can you find the preview video and other information about RK and Ashir? Just Google RK Photo Magic Tricks with an X and you will see everything. And for all inquiries and help regarding PowerPoint presentations, please contact Ashir via ashir@gmail.com. That's ARKSHYA@gmail.com. And RK via RK Photo Magic Tricks @gmail.com.